तेरा मेरा लगा ही क्या है दीन पे, बताना। अगर तेरा 18 साल का दीन के लिए जाता तो तब तुझे पता चलता दीन कैसे आया है। अगर तूने 6 माह के बेटे के हलक से तीर निकाला होता तब तुझे पता चलता दीन कैसे हम तक पहुंचा है। नहीं जानते, खुदा की कसम, मेरे हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम के टुकड़े जब करबला के मैदान में गए थे तो खाक में टुकड़े मिला दिए गए थे। हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए थे, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था, ए मेरे मालिक, मेरा कासिम कहाँ है? आवाज आई थी, हुसैन कान लगा, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद है। तेरा लगा क्या है दीन के लिए, शर्म नहीं आती? आज हमारे इलाके में इतनी तेजी से ये फसाद फैल रहा है। हाँ, सुने गौर से प्यारे, हमारा कुछ नहीं लगा, कासिम के जिस्म के टुकड़े मेरे हुसैन ने इकट्ठा किए, गठरी बांध के खेमे में लेकर के आए। उस माँ से पूछ कि उस माँ ने बेटे की लाश को कैसे देखा था। क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए? और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो पूरा बाजार खरीद के ला के रख देता है। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया, खुदा की कसम सलाम कर हुसैन की सकीना को, 3 दिन की प्यास थी। हाँ, शामे गरीबा के बाद जब आपको पानी का प्याला उनकी बीवी ने पेश किया था, आपने कहा था, फूफी ये पानी पहले आप पी लें, सलाम करो इस घराने को यार। तो जब प्याला प्याली का पेश किया गया, पानी का प्याला, हजरत जैनब ने कहा था, बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते, ये पानी पहले तुम पियो, तुम छोटी हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत सकीना ने प्याला लिया, दौड़ लगाई, फूफी ने कहा, बेटी कहां जा रही हो? मुड़ के फूफी का चेहरा देखा और कहा था, फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, अभी मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर, ये कहा, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया, आवाज आसमान से आ रही थी, सलामुन अला सबरे सकीना, सलामुन अला अहले बैते मुहम्मद। मैं क्या पता क्या लगा के दीन के लिए इनका। हाँ, सलाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है जहरा के लाल का। सोचे जरा इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम, खुदा की कसम ये इनका ही जिगर था जो इन्होंने किया और इन्हीं का हिस्सा था, ना ऐसा कोई दीन के लिए इनसे पहले कर सका और ना इनके बाद कोई कर पाएगा। सोचो, ख्याल है आपका? अल्लाह हू अकबर, गठरी जब हजरत कासिम के जिस्म की हुसैन खेमे में लाए, हजरत सकीना आके कहती हैं, बाबा तुम अकबर को भी ले आए और सबको ले आए, मेरे कासिम को नहीं लाए? मेरे हुसैन ने कहा था, बेटी सवाल न करो, उम्मे फरबा को बुलाओ। उम्मे फरबा हजरत कासिम की अम्मी का नाम है। हजरत कासिम की अम्मी आई और आके बैठ गई, कुछ ना सवाल किया। मेरे हुसैन ने फरमाया, पूछोगी नहीं तुम्हारा कासिम कहाँ है? माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा था, हुसैन मुझे गठरी से महक आ रही है, इसी गठरी में मेरा बेटा है। कहा, कैसे पता चला? कहा, माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। समझ रहे मेरी बात? माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। और उसके बाद आपने सजदे में जमीन पर सर रख के कहा था, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी 18 साल की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। शर्म आनी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, हम वो लोग हैं जो अहले बैत के प्यार में डूब करके सहाबा की तौहीन नहीं करते। खुदा की कसम, हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, अगर ऐसा बंदा कोई तुम्हारे बीच में आए जो नबी के अबू बकर को भोंके, उसे भी निकाल देना, और ऐसा बंदा आए जो नबी के अली को भोंके, उसे भी निकाल देना। कह देना, हम उसे मानते हैं जो अली को भी मानता है, नबी के अबू बकर को भी मानता है। ये फितना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने ईमान का सौदा, बोलो ईमान का सौदा, सुस्ती क्यों कर रहे हो? डरे किसी का? अपने ईमान का सौदा,
इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुसैन का सदका नहीं खाते? हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कोई भी आए, हाँ हम उसकी मानेंगे जो आला हजरत वाला। बस समझ रहे मेरी बात? उस बच्ची ने कहा था, हमारे हुजूर की बेटी है, मेरे साथ भेज दिया जाए। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा अबले में आया है, कहा हाँ, कहा मैं नहीं भेज सकता। उसने कहा क्यों नहीं भेजेगा? ये मेरे हुजूर की बेटी है। उस गैर मुस्लिम ने कहा सोच, ये कल तक तेरे हुजूर की बेटी थी, अब ये मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है, अब मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है, कहना क्या चाहता है? कहा बता तो सही। उसने कहा तू बता क्यों आया है? गया का क्या हुआ? का मैंने ख्वाब देखा है। का कौन सा ख्वाब? का मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि सब मैदान थी। अगर वो शजरे के बगैर सैयद नहीं हो सकती, तो तू भी सनद के बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत, वाह भाई वाह, या अली जिंदाबाद, 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 अल्लाह हू अकबर। जो है चलें थोड़ा और आगे। हाँ, अगर ऐसे मुंह देखेंगे जैसे लोग जनाजा देखने आते हैं, तो तकरीर नहीं, फिर नमाज ही जनाजा पढ़ते। तवज्जो है जरा, कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, बड़ी देर में इन लोगों में गरमाई आई। अगर अब भी गरमाई नहीं आएगी, हुजूर की बेटी की बातें हुई, तो फिर गरमाई कब आएगी? हाँ बस सुने, जब उसने कहा ना ये कल तक तेरी हुजूर की बेटी थी, आज ये मेरे हुजूर की भी बेटी है, तो उसने कहा कैसे? तो कहने लगा सुन, जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। फर्क है, तेरी ख्वाब में जन्नत के नजारे थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफा के नजारे थे। कहने लगा मेरी आंख लगी ना, ख्वाब में हुजूर आए और आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा, तो कहने लगा मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा करीम, जब इतना करम किया के घर तक आए हो, तो इतना करम और कर दो कि मुझे अपना गुलाम बना लो।
अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना कहा, हुजूर फरमाते हैं तूने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, जा मोहम्मद वादा करता है मैं तुझे जन्नत में महल अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ा के गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो कभी सनद ना मांगना, कभी शजरा ना मांगना। फर्ज कर लो अगर वो नहीं है सैयद और तुमने शजरा मांगा तो बच भी सकते हो, अगर वो सैयद था और तुमने शजरा मांग रखा है तो सुनो, अगर तेरी चौखट पे तेरी चलती है तो फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। ये कान खोल के सुन ले, फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सारे बोले जन्नत रसूलुल्लाह की। किस्मत वाले हो कमेटी वालों, हजरत ने करम फरमाया तशरीफ लेकर के आए और मुकद्दर के धनी हो, आज हजरत दुआ करेंगे, इतना बड़ा मजमा अमीन कहेगा। मैं तो हजरत एक बात कहता हूँ, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा बंदा बैठा हो जो जब दुनिया सो जाती हो तो रात को उठ के अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़ लेता हो। क्या पता है, जरूरी है जो बहुत दस्तार जरूरी है हुजूर का होने के लिए, हुजूर से इश्क के लिए जरूरी नहीं कि खुशबू लगे कपड़ी पहनता हो तब आशिक है। कितनी बार तो पैबंद लगाने वाले भी हुजूर के इतने करीबी होते हैं कि लोग मदीने जाके वो नहीं देख पाते जो वो लेटे लेटे घर से मुस्तफा के नजारे देख लेते। हाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब क़िबला इस उम्र में बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था, हजरत को बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था। ये इन दोनों बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं कि ये अभी तक मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आमीन। मत कह दियो कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हाँ, इनकी उम्र की बरकतों की दुआएं मांगा करो, अगर ये सलामत तो हम सलामत हैं। हाँ, ये सलामत तो हम सलामत हैं। एक